हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है खट्टे मीठे रिएक्शंस। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है इंडिया टॉप फैक्ट्स की तरफ से है, इनके चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का नाम है टॉप 10 बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया 2020। तो देख लेते हैं कि वीडियो कैसी होने वाली है दोस्तों। तो आइए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें करेंगे वीडियो के एंड पे। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मेलबर्न, इडन गार्डन और वानखेड़े, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेडियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैपेसिटी के हिसाब से भारत के 10 सबसे बड़े स्टेडियम कौन से हैं? नहीं ना, तो जानने के लिए बने रहिए बिल्कुल आखिर तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। 10th पोजीशन के लिए दो स्टेडियम्स में सेम कैपेसिटी होने की वजह से टाई हो गया है। पहला स्टेडियम है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, झारखंड के रांची में स्थित। ये स्टेडियम को साल 2010 में स्थापित किया गया था। इस स्टेडियम का नाम हाल ही में इस लिस्ट में दिया गया है। इस स्टेडियम में पहली इंटरनेशनल मैच जनवरी साल 2013 में होस्ट की गई थी। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 40,000 है। 10th पोजीशन पर दूसरा स्टेडियम एम चिन्नस्वामी स्टेडियम है। चिन्नस्वामी स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी भी 40,000 है। ये स्टेडियम कर्नाटका में स्थित है और इस स्टेडियम को साल 1964 में शहर के बीचों बीच बनाया गया था। ये अपने आप में एक अलग और निराला स्टेडियम है क्योंकि यह स्टेडियम में सोलर पैनल से पूरे स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। 9th पोजीशन पर है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली में स्थित। इस स्टेडियम को साल 1883 में बनाया गया था और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेडियम है और इडन गार्डन के बाद यही सेकेंड ओल्डेस्ट स्टेडियम भी है। यहाँ भी बहुत से फेमस रिकॉर्ड बने और टूटे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबली की मोस्ट फेमस 10 विकेट्स हॉल यही हुई थी। इसकी कैपेसिटी 41,820 है। 8th पोजीशन के लिए दो में नहीं बल्कि चार स्टेडियम में सेम कैपेसिटी होने के कारण टाई हुआ है। पहला स्टेडियम है बरसपारा स्टेडियम, असम में स्थित। यह स्टेडियम को साल 2012 में बनाया गया था और इस स्टेडियम में हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज है जैसे कि कवर्ड सीटिंग, इंडोर प्रैक्टिस विकेट्स, वाटर स्प्रिंकलर, जिम और स्विमिंग पूल। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 45,000 है। 8th पोजीशन का दूसरा स्टेडियम है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर। इस स्टेडियम को साल 1978 में बनाया गया था और इसे ओरिजिनली हॉकी के लिए बनाया गया था पर फिर इसे रिनोवेट करके क्रिकेट के लिए बना दिया गया। इस जगह को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि यही वो स्टेडियम है जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI मैच में सबसे पहली डबल सेंचुरी स्कोर की गई थी, वो भी सचिन तेंदुलकर के द्वारा। इस स्टेडियम की भी होल्डिंग कैपेसिटी 45,000 है। 8th पोजीशन का तीसरा स्टेडियम है बाराबती स्टेडियम, कटक। इस स्टेडियम को साल 1958 में बनाया गया था और यहाँ की होल्डिंग कैपेसिटी भी 45,000 है। इस स्टेडियम में डोमेस्टिक क्रिकेट टीम के द्वारा कुछ ODI मैचेस और कुछ टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं और इसी के साथ यहाँ फुटबॉल भी खेला जाता है। 8th पोजीशन का चौथा स्टेडियम है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। इस स्टेडियम को साल 2008 में नागपुर में बनाया गया था और इस स्टेडियम में कुछ बेस्ट स्टेडियम की तरह फैसिलिटीज अवेलेबल है और इस स्टेडियम को इंडियन प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी बहुत तारीफें मिल चुकी है। इस स्टेडियम की भी होल्डिंग कैपेसिटी 45,000 है। 7th पोजीशन पर भी दो स्टेडियम्स में टाई हुआ है। पहला स्टेडियम ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है। इस स्टेडियम को साल 2015 में तिरुवनंतपुरम केरला में बिल्ड किया गया था। यहाँ की फैसिलिटी भी बेहतरीन है और यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट भी कलरफुल है जो इसे और अट्रैक्टिव बनाती है। इस स्टेडियम में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल भी खेला जाता है। स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी 50,000 है। 7th पोजीशन पर दूसरा स्टेडियम है एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में स्थित। इस स्टेडियम को साल 1916 में बनाया गया था और इसे चेपक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम की भी होल्डिंग कैपेसिटी 50,000 है। 6th पोजीशन पर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेडियम, कोझिकोड में स्थित। ये स्टेडियम को साल 1977 में बनाया गया था। वैसे तो इस स्टेडियम में ज्यादातर फुटबॉल मैचेस होते हैं पर यहाँ कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी खेली गई हैं। इस स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी 53,000 है। 5th पोजीशन पर कैपेसिटी के हिसाब से दो स्टेडियम में टाई हुआ है। 5th पोजीशन पर पहला स्टेडियम है MCA पुणे इंटरनेशनल क्रिकेट सेंटर, पुणे में स्थित। इस स्टेडियम को साल 2011 में बनाया गया था और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी 55,000 है। 5th पोजीशन पर दूसरा स्टेडियम है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद के। इस स्टेडियम को साल 2004 में बनाया गया था और इस स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी भी 55,000 है। 4th पोजीशन पर है DY पाटिल स्टेडियम,
नवी मुंबई में स्थित इस स्टेडियम को साल 2008 में बनाया गया था। इस स्टेडियम को वर्ल्ड के कुछ खास स्टेडियम्स की तरह डिजाइन किया गया है। इस स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी 60,000 है। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी सेम कैपेसिटी होने के कारण रैंक 4 पे आता है। okay. इस स्टेडियम को साल 1982 में बनाया गया था और फिर साल 2010 में रिनोवेट भी करवाया गया था। इस स्टेडियम को पहले फुटबॉल मैचेस खेलने के लिए बनाया गया था, पर अब यहाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस खेली जाती है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी भी 60,000 है। थर्ड पोजीशन पर है रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। छत्तीसगढ़ में स्थित रायपुर स्टेडियम को साल 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस स्टेडियम को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी 65,000 है। सेकंड पोजीशन पर है इडन गार्डन स्टेडियम। कोलकाता का ये स्टेडियम साल 1864 में बनाया गया था और ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बेहतर स्टेडियम है। इस स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी 68,000 है और रिनोवेशन से पहले इसकी कैपेसिटी 90,000 तक की थी। और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने के साथ साथ ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की होल्डिंग कैपेसिटी 100,000 है, पर अब ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम ज्यादा वक्त तक फर्स्ट पोजीशन पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन वाला स्टेडियम मेलबर्न स्टेडियम से काफी बड़ा होने वाला है। जी हाँ, तो इस लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन वाला स्टेडियम है सरदार पटेल स्टेडियम। 1982 में अहमदाबाद में बनाया गया ये स्टेडियम आज भी गुजरात का लार्जेस्ट स्टेडियम है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है। इस स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। ये स्टेडियम रैंक 1 पर है, क्योंकि यहाँ की होल्डिंग कैपेसिटी फरवरी मार्च 2020 में 1.1 लाख सीट्स तक हो जाएगी, जो मेलबर्न स्टेडियम से भी काफी ज्यादा है। इस स्टेडियम को रिन्यू करने का काम साल 2018 में शुरू किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्टेडियम को फरवरी या फिर मार्च 2020 तक रीओपन कर दिया जाएगा और फिर अहमदाबाद का ये स्टेडियम न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन स्टेडियम होगा। तो ये थे इंडिया के 10 सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाले स्टेडियम्स। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो जाके जरूर लाइक कीजिएगा इंडिया टॉप फैक्ट को और सब्सक्राइब कीजिएगा उनके चैनल को और मेरे चैनल को भी। तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन इनमें से जो एक को तो मैं पहले जानता था ना, जो ईडन गार्डन था स्टेडियम, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेमस है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में मोस्टली आम मैच स्टेडियम, क्योंकि इंडिया में इसलिए ज़्यादा है, एक तो एशिया में क्रिकेट का क्रेज़ ही बहुत है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका बहुत क्रेज़ है, नेपाल में भी बहुत क्रेज़ है क्रिकेट का, है तो ये स्पोर्ट्स अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन किया था लगान में लगान देखी होगी आप लोगों ने, तो नहीं है तो ब्रिटिशर्स का नेशनल स्पोर्ट ही है, लेकिन उनसे ज़्यादा हम लोग खेले जाते हैं। और आईपीएल जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट लीग है इंटरनेशनल, वो बहुत बड़ी लीग है, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इंडिया में भी और डिफरेंट जगह भी। उसके अलावा बहुत सारी लीग्स आनी स्टार्ट हुई, डोमेस्टिक जो है उनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की क्रिकेट, तो ये तो चीज़ें बननी चाहिए और होनी चाहिए, तो बहुत कम है। ये तो फुल होते हैं जब आपने देखा होगा आईपीएल हो रही होती है या वर्ल्ड कप था लास्ट टाइम 2011 का इंडिया में जो था, तो उसमें कैसे फुल पैक स्टेडियम्स थे। तो ये क्रेज़ है, क्रेज़ लव है क्रिकेट के लिए, क्रेजीनेस है तो दोनों नेशंस में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो वो लाइक के हिसाब से ही और हो सकती है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो और चाहते हैं जिसमें मैं रिएक्ट करूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट ज़रूर रीड करता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर में रहें, खुद भी बचें, दूसरों को भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।